आमिर खान और अमिताभ बच्चन की मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में दो बड़े जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिल्म से जुड़ी ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए दो बड़े जहाज का निर्माण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये काम काफी पहले शुरू हो चुका था। ऐसा माना जा रहा है कि इन जहाजों का कुल वजन करीब 2 लाख किलो होगा। इस बात की जानकारी यश राज प्रोडक्शन कंपनी ने दी है। 1000 से ज्यादा कारीगर कर रहे काम। रिपोर्ट्स के अनुसार इन जहाजों को तैयार करने के लिए 1000 से ज्यादा कारीगर लगाए गए हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर की मदद से तैयार किया जा रहा है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान यश राज बैनर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। फिल्म का डायरेक्शन विजय कृष्ण आचार्य कर रहे हैं, जिन्होंने आमिर के साथ धूम 3 बनाई थी। समुद्री लुटेरे की कहानी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान और अमिताभ बच्चन के साथ कटरीना कैफ और दंगल गर्ल फातिमा सना शेख भी नजर आएंगी। फिल्म 2018 में रिलीज हो सकती है। हालांकि रिलीज की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं गई है। फिल्म के लिए सभी स्टार्स को तलवारबाजी, घुड़सवारी और भालों आदि से लड़ाई के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। 2 महीने का शेड्यूल आमिर खान का था। साथ ही अमिताभ बच्चन भी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग से गुजरे। डैश सेट पर मौजूद लोगों ने यह भी बताया कि खुद बिग बी ने भी अपने ज्यादातर स्टंट खुद ही किए हैं। इस फिल्म में लोग उन्हें फिर से उनके पुराने चिर परिचित एंग्री मैन के अवतार में देखेंगे।